अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं दैट मीन्स हमें अपना जो इंपॉर्टेंट लाइक क्रॉस ब्रीडिंग करने के टाइम पे हम क्या करते हैं बच्चों क्रॉस ब्रीडिंग जब हम करते हैं तब हमें अपने डिजायर्ड डिजायर्ड कैरेक्टराइस्टिक्स की काफ़ी ज्यादा जरूरत है डिजायर्ड कैरेक्टर्स टू द ऑफ स्प्रिंग इन टू द ऑफ स्प्रिंग हमें चाहिए होता है डिजायर्ड कैरेक्टर कहाँ पे चाहिए होता है ऑफ स्प्रिंग के अंदर चाहिए होता है है ना तो हमें क्या आप चाहिए डिजायर्ड कैरेक्टर वो है हाई ईल मिल्क किंग क्या बोलेंगे हाई मिल्क इल्डिंग कौन है हाई मिल्क इल्डिंग जो हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग है वो कौन है बच्चों हाई मिल्क इल्डिंग जो क्रॉस ब्रीडिंग है मतलब जो क्रॉस ब्रीड हमारे पास प्रेजेंट है वो ब्रीड क्या है फ्राइज वाल काउ अब ये जो फ्राइज वाल काउ है ये कौन दो ब्रीड के बीच में क्रॉस करवा के बना हुआ है ऑब्वियसली हमें इतना तो पता होना चाहिए फ्राइजियन किसके बीच में फ्राइजियन एंड साहिवाल के बीच में साहिवल के बीच में क्रॉस ब्रीड करवाने के बाद क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद हमें क्या मिला है बच्चों फ्राइज वाल काउ जो बेसिकली काफी ज्यादा हमें क्या देता है मिल्क इल्डिंग देता है है ना तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा फ्राइजियन क्या हो जाएगा बच्चों फ्राइजियन और साहिवाल के बीच में क्रॉस करवाने के बाद हमें क्या मिला है बच्चों फ्राइज वॉल काउ मिला है और ये फ्राइज वॉल काउ क्या है उनके ऑफ स्प्रिंगस है और उसका मील किल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है तो पहला ऑप्शन आता है ब्राउन एंड नहीं ऑप्शन बी आता है फ्राइज एंड साई वॉल हा होल स्टेन एंड थड़प कर बिल्कुल नहीं ब्राउन स्विस एंड रेड थी बिल्कुल भी नहीं तो कौन सा सही आंसर बनता है बच्चों आपका ऑप्शन बी आपका कौन सा सही आंसर बन गया बच्चों ऑप्शन बी फ्राइजियन एंड साइव ये मिलके क्या बनाता है फ्राइज वर्ल्ड कप तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक बच्चों